मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया प्रवास पर हैं, जहां वे नगर पालिका द्वारा आयोजित आयोजन में पहुंचे और 51 कन्याओं को 51,000 की विवाह सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया में प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बंगले पर आमजन की समस्याओं को सुनकर जिला अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वे दतिया नगर पालिका द्वारा आयोजित आयोजन में पहुंचे, जहां उन्होंने 51 कन्याओं को 51,000 की विवाह सहायता राशि प्रदान की। वहीं मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने दतिया नगर निगम बनने के प्रस्ताव को कोर्ट तक पहुंचा दिया। दतिया की नहरों की राशि छिंदवाड़ा में लगा दी है। 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस ने कई प्रदेश की विकासशील योजनाओं को बंद कर दिया है। मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिले। दोहे की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। और खासकर दतिया के अंदर वो 15 महीने के अंदर हमारा नगर निगम, हमने दतिया को बनाया, ये कांग्रेस के लोगों ने नगर निगम का मामला हमारा हटा के न्यायालय में हो गया। हम 35 गांव में 2500 करोड़ रुपए की नहर लेके आए, इनमें पैसा छिंदवाड़ा में बना। हम जो पीतांबरा के सामने जो किला है राजगढ़ पैलेस जिसे कहते, इसको हमने 5-स्टार होटल में बंद कराया, कन्वर्ट कराया, इन्हें हटवा दिया। हम खैरी पे जीतू भाई साहब बैठे हैं, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, इनके यहाँ पर पत्रकार का महाविद्यालय लेके आए, उन्हें हटवा दिया। अब उनकी लड़ाई नरोत्तम से नहीं, दतिया से लड़ाई लड़ी है। ये योजना का लाभ मेरे को तो मिलना नहीं था, नहर आती तो किसान को पानी मिलता, कॉलेज आता तो बच्चों को पढ़ाई मिलती, होटल अगर पीतांबरा के सामने खुलता तो यात्री एक दिन की जगह 2 दिन रुकते, 3 दिन रुकते, 3 दिन रुकते, तो हमारी फूलमाला खरीदते, कचौड़ी समोसा खाते, चाय पीते, हमारे यहाँ इकोनॉमी का ट्रांजेक्शन होता कि नहीं होता। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।